तेज, बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज गर्मी लग रही। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जो है, मतलब मेरे इधर जो है नाले वाली रोड है उस तरफ पड़ती है, मतलब मेरे जो घर ठाकुर चौराहा है ना, ठाकुर चौराहा के थोड़ा सा आगे जो है पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था, उस तरफ नाला बना हुआ है, मतलब नगर निगम का जो है पूरा वहां पे क्षेत्र पड़ता है। तो जो है वहां पे अब होता नहीं, नाले के किनारे कुछ लोग जो है घर बना के रहने लगते हैं, कुछ दुकानें बना लेते हैं, कुछ है ना। तो वही लोग, वही जो सरकार है मतलब नगर निगम, तो वो तोड़ने के लिए आई थी सबका घर। तो वही मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है जेसीबी ने सिर्फ वहां के जितने भी घर थे मतलब लगभग तोड़ दिए, और बाकी को वार्निंग दी है जो कि कल भी टूट जाएंगे, कल शायद टूटेंगे। तो पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या कुछ हुआ, कितना टूटा है ना, कैसे टूटा है। और वीडियो बनाते समय मैं बता दूं, वीडियो बनाते समय एक उसी में से जो भी हो कर्मचारी, उसने मुझे जो है एक बार मन रोका भी था, वीडियो बनाने के लिए मना भी किया था। एक्चुअली में अगर ये चीजें लीगल है तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ो, पहले तो चलते हैं वहां पे और दिखाते हैं कि भाई जो है कैसे वो लोग जो है सारे घर तोड़ रहे हैं। चलो दिखाते हैं। वापस आ गया था यहाँ से, मैं जो है वापस आ गया था क्योंकि जो है मुझे व्लॉगिंग मतलब नहीं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सामने से जो है व्लॉग शूट करने दे नहीं रहा था, कैमरे से जो है वीडियो शूट करने दे नहीं रहा था। इसलिए मैंने जो है स्पाई व्लॉगिंग के लिए जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती वो मैंने ले लिया था। एंड उसके बाद अभी जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो है सब चीज़ एंड हो चुका था, वो लोग जो है जेसीबी वगैरह लेके चले जाते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना कुछ टूट गया, मतलब कितना कुछ टूट गया है वहाँ पर, क्योंकि जब तक मैं स्पाई व्लॉगिंग के लिए अपना एक्शन कैमरा वगैरह सब कुछ लेकर आया था तब तक जो है सब चीज़ एंड हो चुका था, मतलब जेसीबी जा चुकी थी। तो यार यही है वो जगह, मतलब ये जो रोड है इसके बगल में जो है नाला पड़ता है, एंड नाला पड़ने की वजह से ये हम यहाँ पे जितने भी घर हैं सब तोड़ दिए जाते हैं। वैसे मेडिकल स्टोर है वगैरह ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं तोड़ी गई हैं शायद इन्होंने जो है, और जो मतलब अंतर्राज्यीय होते हैं ना घर, अंतर्राज्यीय तरीके से रहते हैं उन्हीं का घर शायद जो है तोड़ा जाता है। बट घर तो घर होता है, किसी का भी टूटता है तो दुख तो होता है भाई, है ना। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। खैर अभी हम जो है पूरा दिखाते हैं कितना कुछ टूटा है, कितना घर टूट गया यहाँ पे जो है, कहाँ तक नहीं टूटा है मैं दिखा दूंगा। ये जो है यही साइकिल की दुकान है जो कि अभी अभी नहीं खुली, अभी बंद है। देखो ये साइकिल की दुकान जो है बंद है, हम यही साइकिल की दुकान की वजह से इस रोड की तरफ से आए थे, ना दूसरी तरफ रोड की तरफ से जो है जा सकते थे। मुझे साइकिल में हवा कम थी, मैं हवा डलवाने के लिए इस तरफ से आया था, बट जो है यहाँ आकर मुझे सारी मतलब उल्टा ही कुछ अलग ही सिस्टम दिखा, तो मैंने यहाँ का जो है वीडियो बनाना सही समझा। तो भाई चलो आगे दिखाते हैं कि कितना कुछ मतलब टूट गया है इस रोड में, कितना कुछ टूट गया है ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें देखने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करने दी जाती है। मतलब जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपको ये सब रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता। ये देखो सब कुछ जो है टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ तक जो है पूरा टूट चुका है, पूरी गली से लेकर यहाँ तक जितना भी है सब कुछ टूट चुका है। और यहाँ पे सब जितने भी यहाँ रहते थे सब ने अपना सामान देखो बाहर रखा हुआ, सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सब बाहर है, सब बेघर हो गए, जितने भी लोग रहते थे सब बेघर हो गए।
अब किसी के पास भी अपना घर नहीं है रहने के लिए, अब उन लोगों को जो है फिर से अपना घर बनाना होगा दोबारा से। भाई इन सब में से नुकसान केवल गरीब का ही होता है, अब गरीब का ही नुकसान होता है, गरीब ही सब कुछ झेलता है भाई ये सब। ये तो भाई हमेशा का ही होता है। अभी अब क्या ही बताया, छोड़ो यार, मैं कि अपने वीडियो में किसी की अवहेलना या फिर कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की बुराई हो, बट जो है वो सामने वो दिख रहा है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखो सब टूटा हुआ है, किसी अमीर का आशियाना नहीं टूटा होगा बट जो है गरीब का ही टूटा। अमीर का अगर टूट भी जाता तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई गरीब का टूटता है तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो भाई यहाँ देखो ये सब पूरा टूटा, यहाँ से लेकर जितनी भी है सारे घर टूट गए, सबको टूट गए, जिसका सामान था सब ने निकाल लिया अपना बाहर, सब सारे घर टूटते चले गए, सारे घर टूट डाले। बस मंदिर ही, जो मंदिर है मंदिर छोड़ दिया गया, हमारे इधर बस एक ही चीज़ को छोड़ दिया जाता है मंदिर, जिसे नहीं तोड़ते। क्योंकि अगर मंदिर भी तोड़ दिया तो फिर जाए मतलब फिर वो इंसान नहीं है, फिर वो इंसान नहीं समझ लो अगर उसने मंदिर तोड़ दिया तो। और यहाँ पे भी एक मंदिर है जो कि अभी सही सलामत है, और ये दुकान है जो ये लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, कहीं और शिफ्ट करेंगे, कहीं और रखेंगे, कहीं और चलाएंगे। मतलब ये तो ठीक है, इनकी दुकान थी इन्होंने अपने रख लिया, बट जो रहते थे यहाँ पे दुकान वाले तो चलो दुकान थी उनकी, बट जो यहाँ रहते थे उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि भाई रहना मतलब उनका घर है वहाँ पे, तो वो चीज़ अब चला गया। ये देखो बगल में ये जो नाला है पूरा, ये पूरा नाला गया है, पूरा नाला ही नाला है बगल से, इसी वजह से शायद नगर निगम वालों ने जो है यहाँ के सारे घर तोड़ दिए हैं। और भी बहुत सारी जो है बातें होती हैं जिन वजह से जो है घर को तोड़ा गया है। और यहाँ पे देखो ये भी घर पूरा टूट चुका है, यहाँ पे भी देखो सब अपने अपने घर के सामान को सही से रख रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, और फिर से शायद ये लोग अपना घर यहाँ पे बनाएंगे या कहीं और बनाएंगे, है ना, ऐसे थोड़े ना रहेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बनाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे देखो सब कुछ टूट चुका है भाई, सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ पूरा सब फैला हुआ है, सब बेचारे सब जितने भी थे सब के सब बेघर हो गए। अब ये सब इनको समझ लो क्या लगता है, ये घर के एक दिन में बन जाता है, एक घंटे में बन जाता है, तोड़ने में इन्होंने को शायद 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, बट इनको बनाने में कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे अगर ये लगातार बनाएंगे तो। सब कुछ टूट गया भाई, सरदार पटेल का जो स्कूल का बोर्ड था उन्होंने भी जो है तोड़ दिया गया, यहाँ पे सब कुछ टूट गया। अब समझ लो भाई क्या बताऊँ। सो इतना ही था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट जो है और भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकता था, बट जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उतने टाइम मेरे पास जो है एक्शन कैमरा वगैरह नहीं था जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे स्पाई व्लॉगिंग जिससे करता हूँ वो नहीं था। सो बस इस वीडियो में इतना ही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताओ।